Winter is coming. और इसलिए हम अपने आप को और इक्विपमेंट को विंटर के लिए तैयार कर रहे हैं। पैसे का हमने बिल्कुल भी नहीं देखना और ये आए हैं तकरीबन 100 यूरो के। और चेक लो किस तरह हमारे कैंपिंग प्लान्स का चिकना चूर कर देते हैं, वो हम आपको दिखाते हैं इस वीडियो में। कल मेरी सालगिरह थी और कल पहली दफा बर्फ शुरू हुई। दुनिया की तरफ से तोहफा मेरे लिए। क्योंकि हमारी साइकिलें चोरी हो गई थी और हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम ज़ाया हो गया, हम किसी तरह इस विंटर के मौसम में आ ही गए। और क्योंकि हम अपने सफ़र में कुछ भी स्किप नहीं करना चाहते, हमने कहा कि चलो शॉपिंग सेंटर चलते हैं और विंटर के कपड़े ख़रीद लेते हैं। साथ में मागी को तो क्रिसमस फीलिंग्स भी आ गई हैं। सर, हम अभी मार्केट में गए थे और हमने अब दस्ताने ख़रीदे हैं। ये अब सबसे मोटे दस्ताने थे जो दुकान में मिल सकते थे। हमने कुछ हफ्ते पहले भी ख़रीदे थे येलो रंग के, आपको याद होगा, लेकिन वो इतने अच्छे नहीं थे। अब हमने सोचा पैसे का हमने बिल्कुल भी नहीं देखना और ये अब आए हैं तकरीबन 100 यूरो के। और ये -15 डिग्री में कहते हैं काम करते हैं और ये वाटरप्रूफ भी है और विंड प्रूफ भी है। जो दूसरे थे उनके अंदर से ठंडी हवा हमेशा आती थी और अच्छे नहीं थे। ये अब जुराबें भी लिए हमने, मेरीनो वूल की 2500 यूरो की आई हैं, काफ़ी महंगी, लेकिन उनके पैर और हाथ सबसे पहले ठहर जाते हैं, इसलिए हमने सोचा सबसे अच्छी जो भी दुकान में अब एक दफ़ा इस्तेमाल करके देखते हैं कि कैसे रहता है। ये हमने एक कॉफ़ी मेकर भी लिया है और एक थर्मस की बोतल, ये भी काफ़ी महंगी थी, और एक नॉर्मल छोटी बोतल ताकि हम गर्म पानी भी इस्तेमाल कर सकें, इसलिए ये ज़रा ज़रूरी था हमारे लिए। कल परसों हमने एक टेस्ट किया जब मैंने ये थर्मस की बोतल खरीदी। हमने 1 बजे दोपहर को उसके अंदर पूरा गर्म पानी उबलता हुआ डाला और हमने उसको बैल्कनी में रख दिया। -1 डिग्री थी कल पूरे दिन और उसको फिर हम रात को 9 बजे, इसका मतलब 8 घंटे बाद अंदर लेकर आए और हमने चेक किया कि पानी गर्म रहता है कि नहीं। और जब हमने खोला पानी वाकई में ही गर्म था, इसलिए हमने आज दूसरी बोतल भी खरीद ली मगी के लिए। और हम दोनों के पास एक 0.75 लीटर थर्मस का है और अब हम एंडी के पास इसको फुल करके आए हैं गर्म पानी के साथ। अब उम्मीद है कि जब हम टेंट में जाएंगे तो हमारे पास थोड़ा सा गर्म पानी होगा और हम उसके साथ थोड़ा सा चाय पी सकें। मैंने पहले 3 दस्ताने पहने हुए थे, एक साइकिलिंग दस्ताने ऊपर से अपने मेरीनो वूल के पतले दस्ताने और तीसरा दस्ताना ये था फंदलस। और तब मेरे हाथों को ठंड लग रही थी तो मगी ने मुझे कहा कि अपने दोनों दस्ताने उतारो, सिर्फ ये मोटे वाले पहनो। और अब मैंने सिर्फ ये पहने हुए हैं और हाथ उसी वक्त गर्म हो गए हैं। कितनी अजीब बात है, मैंने सोचा था अगर ज़्यादा पहनूंगा तो फिर ज़्यादा गर्म रहेंगे, लेकिन ये तो बहुत ही अच्छे निकले। -2 डिग्री है बाहर, आपने देखा ये बर्फ़ नीचे पड़ी हुई है और हम अब तैयार हैं आगे चलने के लिए। और पैरों में फीलिंग सारी ख़त्म हो गई है, इसका मतलब पता नहीं, क्योंकि मैंने 2 जुराबें शायद पहनी है इसलिए, लेकिन कल को मैं शायद एक पहन कर देखूँगा मोटे वाले। Juhu! Juhu, Schnee! Juhu! Juhu!
so for sure. और इसीलिए बाइसिकल टूरिंग का इतना मज़ा आता है। अगर हम बैकपैकर के तौर पर इस कंट्री पर आते हैं तो हमारे पास एक चेकलिस्ट होती, प्राग, कैपिटल सिटी, चर्चेस, मस्जिदें और दूसरी चीज़ें। हमने वो सारी चीज़ें देखनी थी और वापस घर चल जाना था, लेकिन क्योंकि हम बाइसिकल पर हैं हमें मजबूरन ऐसे छोटे छोटे गाँव में, छोटी छोटी सड़कों में, जैसे ये छोटी सी चर्च हमारे आगे हमें नज़र आ रही है, ऐसी जगहों से गुजरना पड़ रहा है। और यही बाइसिकल टूरिंग की खूबसूरती है कि आपको सही तरह से कंट्री भी नज़र आता है। अब थोड़ी देर में रात होने वाली है और हमें एक कैंपिंग की जगह ढूंढनी पड़ेगी। गूगल ने हमें काफ़ी ज़्यादा डराया क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ था कि कैंपिंग इस कंट्री में इलीगल है। अगर आप किसी के प्राइवेट ग्राउंड पर उसके गार्डन में भी कैंपिंग करो और पुलिस देख ले तो उसके ओनर को जुर्माना होगा। लेकिन क्योंकि रात होने वाली है और हम कैंपिंग ही करना चाहते हैं, हम अभी कोशिश करते हैं किसी के गार्ड में खटखटाने की और किसी गार्डन में सोने की जिसकी बड़ी सी फेंस लगी और कोई हमें बाहर से देख ना सके। देखते हैं ये एक्सपीरियंस कैसा रहता है। Are you coming down there and show me what you want? अभी कुछ घंटे पहले ही मैं आपके साथ बात कर रहा था कि मैं यकीन नहीं कर सकता कि इंटरनेट में जो लिखा है कि यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं और वही बात हुआ। पहला घर जिसके अंदर हमने पूछा कि हम अपना टेंट यहाँ बाहर लगा सकते हैं और उसको इंग्लिश आती थी बंदे को, सीधा बालकनी में खड़ा था, कहता ठहरो मैं बाहर आता हूँ। तो उसने बातें की हमारे साथ तो और कहता क्या तुम लोग पागल हो, इतनी ठंड में सफ़र कर रहे हो, चलो अंदर आओ। तो फिर अंदर आके उसने हमें चाय बना कर दी, चाय हमें दी, ऊपर से पैनकेक्स की तरह की कोई आलू की चीज़ थी बना कर दी, और साथ में और कहता है स्वीट्स थे, चॉकलेट नटी चीज़ कैरमेल के साथ खाने को, साथ में शहद भी दिया सब कुछ, और बातें की, बड़ा मज़ा आया। और फिर एकदम से वो फ़ोन पर था और तो कहते आज रात को तुम लोगों का क्या प्रोग्राम है। मैंने कहा क्या प्रोग्राम होना है, यहाँ पर टेंट लगाना है और उम्मीद है कि रात को ठहर ना जाए। तो कहता हाँ मेरे दोस्त के घर उसकी बर्थडे है आज, चलो आओ मिल के चलते हैं, उधर भी मज़ा आएगा। फिर तो फिर उसने हमें ये एक रूम भी दिया, ये उसका गराज टाइप है, यहाँ पर वो अपने साइकिल, ये उसके तीन साइकिल, एक दो तीन चार साइकिल खड़े हैं और दो हमारे। और हमने उससे फिर पूछा कि हम यहाँ पर क्यों ना अपना टेंट लगा लें, टेंट नहीं लगाना लेकिन यहाँ पर हम अपना सीट और सब कुछ कर लेते हैं, यहाँ पर भी बहुत ठंड है लेकिन मेरा ख्याल है टेंट से तो कहीं ज़्यादा अच्छा है। और अब हम आराम से यहाँ पर अपना टेंट लगाएंगे, मैं मतलब अपना स्लीपिंग बैग सब कुछ रखेंगे। अभी वो आया था, कहता चलो चले, और अब हम जा रहे हैं उसके दोस्त के पास उसकी बर्थडे पार्टी पर, देखते हैं वहाँ पर कैसा रहता है। फिर हम जल्दी जल्दी निकले और गाड़ी के अंदर बैठ गए। अंद्रे और उसकी वाइफ के साथ हम फिर गए बर्थडे पार्टी की तरफ। वहाँ पर हमने कोई रिकॉर्डिंग्स नहीं की लेकिन हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, इतना मज़ा आया उस फैमिली के साथ मिलकर बैठना, खाना खाना, बातें करनी, केक काटना और ये सब कुछ। ऐसी अच्छी फैमिली हमने कम ही देखी है जिनमें एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा प्यार हो। जब हम वापस आए उनकी घर की तरफ फिर एक नया सरप्राइज़ हमारे लिए इंतज़ार कर रहा था। अब कुछ मिनट पहले हम वापस आए, 20 मिनट की ड्राइव थी, तो फिर वापस आए हम टेंट की तरफ जाने लगे, खुदा हाफिज़ कहा उन्हें। और वो फिर कहते हैं एक मिनट ठहरो इधर, मैं आपको दिखा दूँ कि आप ये बाथरूम इस्तेमाल कर लो हमारा। और तो फिर जब हम उन्होंने हमें दिखाया तो फिर वो कहते हैं हाँ मुझे याद आया, ये नीचे एक, मैं आपको दिखाता हूँ, लाइट के साथ लेकर जाते हैं कि ये हमारा एक छोटा कमरा है
अगर आप चाहो तो यहाँ पर रह सकते हो और यहाँ पर गर्मियाँ, उसने हीटर मार ले चलाया हुआ, हमें तौलिया दोनों उसने मैं शैम्पू दिया, तौलिया सब कुछ, और कहता आराम से यहाँ पर रहो। कितने अच्छे लोग भी होते हैं इस दुनिया में, यकीन नहीं आता। और मसला ये है कि जितना मर्जी शुक्रिया अदा करो कम लगता है, और ऊपर से हमारे पास अब कोई चीज़ भी नहीं है जो हम उन्हें दे सकें, क्योंकि हम काफ़ी मुश्किल होता है ऐसे एक्सेप्ट करना। हमने इस मौके का फ़ायदा उठाया और स्लीपिंग मैट्रेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा शैम्पू लगाया, और फिर फाइनली हमें सुराख मिल ही गया। एक छोटी सी जगह पर बबल्स निकलने शुरू हो गए। मैंने उसके ऊपर गूंद लगाई और उसे बंद कर दिया। अब यही दुआ है कि इंशाल्लाह हम अगली बार सही तरीके से सो पाएंगे। अगले दिन भी बहुत ज़्यादा ठंड थी, लेकिन क्योंकि हमने रात अंदर गुजारी, हमने काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जमा कर ली और तैयार है एक और दिन बाहर गुजारने के लिए। फैमिली लाइटा का बहुत बहुत शुक्रिया, हमने टाइम आपके साथ बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया, शुक्रिया। Oh yes, she can't stay too much. Yeah. Have a nice Sunday. You too. Ciao. Ciao. Bye bye. Thank you. Ciao. Bye. इतना अच्छा स्टे था, आपने देखा उन्होंने हमें रात को बैठ दिया। इतना मज़ा आया रात को। अगर ऐसी सिचुएशन हो, अगर मैं टेंट पे होता, मुझे पक्का पता है हम 7 बजे तकरीबन उधर पहुंचे थे, हमने उसी वक्त सो लेना था, क्योंकि इतनी ठंड है। और ठंड के अलावा आप कर क्या सकते हो ठंड के अलावा, और इसलिए हमारे पास बेड था, इसलिए हमने आराम से थोड़ा सा काम किया। मैंने अपनी एक्सेल लिस्ट में अपने कॉस्ट और सारे चीज़ें डॉक्यूमेंट की, और रात को 11-12 बजे सो गया। सुबह को 7 बजे उठे, इतनी अच्छी नींद आई। सुबह फिर हम नहाए गर्म पानी के साथ, और उन्होंने हमें ऊपर बुलाया, नाश्ता भी हमने फिर मिलकर किया। इतने अच्छे लोग। और जब हम साथ में पैकिंग कर रहे थे तो फिर अंदरे आया और मुझे कहता, आप ये हमारे पास आलू पड़े हैं, ये थोड़े से ले लो, ये मेरे पास गैस पड़ी है आप कुकिंग करने के लिए इस्तेमाल करना, ये ले लो। और मैं कहीं जा रहा, नहीं बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा। तो फिर उसने मेरे हाथ में थोड़ा सा ऑयल दे दिया कि चलो ये साइकिल की चेन पे लगा लेना। हमारे पास 2 बोतलें पड़ी है, लेकिन चलो छोटी बोतल थी, मैंने कहा चलो सही है, क्योंकि ज़्यादा नहीं करना भी थोड़ा गंदा लगता है। तो फिर वो फिर से आया, हमें 2 चॉकलेटें हाथ में पकड़ा कर दे कर गया। मैं तो फिर अगले दफ़ा आया तो उसकी बीवी ने क्रिसमस की कुकीज़ बनाए थे, पूरा ट्यूटा लिफाफा भर कर ही आ गया है, मैं आपको दिखाऊंगा। उन्होंने गरम गरम फ्रेश कुकीज़ हमारे लिए बनाए और हमें दिए। Er hat nicht zu mir geguckt. Und dann ist es plötzlich passiert. Aha. Es ging alles so schnell. Aha. Du Dieb! Ach, besser. Da ist das Dieb, ist gut. Warum verstaust du es bei mir alles?
Bei mir liegt meine Jacke. Ich will nicht, dass sie nass wird. Du hast Tüten überall. Okay. Ein Cookie. Solange die noch warm sind. Ja. Ja? Ja. Boah, die Handschuhe sind so gut. Meine Hände schwitzen da drin. Ja, meine auch. Richtig gut. Aber meine Füße nicht, die sind kalt, ich spüre die nicht. ठंडा मौसम था, बर्फ पड़ी हुई थी और जब हम घर के अंदर से निकले पूरा पानी जो बाहर पड़ा हुआ था फ्रीज हो गया था। बहुत ठंड थी। हम अपनी पैकिंग कर रहे, आंद्रे मेरे पास आया और उसने मुझे दो चॉकलेट साथ में पकड़ा दी। तो हमने उसे काफ़ी कहा, नहीं बहुत बहुत शुक्रिया ना दो हमें लेकिन उसने हमें पकड़ा ही दी। और जब हम पैकिंग करके दरवाज़े से निकल रहे थे, फिर डागमा दरवाज़े से आई और उसने गर्मा गर्म लफाफा हमारे हाथ में हमें दिया, जिसके अंदर उसने फ्रेश बिस्किट खुद बनाए हुए थे। और हम उधर मुंह खुला का खुला रह गया कि अब अभी क्या कर दिया उसने, स्पेशल हमारे लिए इतने सुबह उठी और बिस्किट बनाए हमारे लिए, इतना शुक्रिया अदा किया और हम निकल गए। बात यह है, जब हम पहले गराज से पैकिंग कर रहे थे तो आंद्रे मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दे रहा था। पहले तो उसने मुझे एक बोरी आलूओं की दे दी, कहता ये लो आपको ज़रूरत होगी, आप खाओ इसको। मैंने कहा नहीं बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे पास पड़े हुए हैं, बहुत खाना है हमारे पास। फिर उसने मुझे गैस कैंस दे दिए दो तीन, कहता ये ले लो आपको, कुकिंग तो आप करते हो, आपको चाहिए होगा। फिर आखिरकार उसने मुझे 5-10 चीज़ें दिखाई, फिर उसने मुझे साइकिल की जो चेन होती है उसका ऑयल थोड़ी सी इतनी सी बोतल दे दी। और उसके पास मैंने कहा चलो सही है, ये मैं ले लेता हूँ, ये तो मेरे इस्तेमाल की भी है, फिर वो बुरा भी नहीं लगता, इतना ज़्यादा नहीं कहते वक्त। और हम फिर निकल आए और बड़ा मज़ा आया उस फैमिली के साथ हमें तो। और आगे का सफ़र किस तरह रहता है, हमने किस टेम्परेचर में और कहाँ वो सारे बिस्किट खाए, वो हम आपको दिखाते हैं अगली बार। खुदा हाफिज़। Wo schlafen wir heute? Wir haben hier gerade bei einer Dame angeklopft und gefragt, ob wir hier irgendwo pennen können. Das ist das gute Stück. Ich kann es irgendwie immer noch nicht fassen, was gerade passiert ist. Kann ich wechseln? Ja, I don't know.